क्या आपने कभी इस जानवर को देखा है, या फिर इस जानवर को, या फिर इस भयानक जानवर को, या फिर ये सुंदर सा जानवर कौन सा है? आप जब भी कभी किसी जानवर को देखते हो, आपको लगता होगा कि हाँ, मैंने इस जानवर को देख लिया है। आपने कुछ ऐसे जानवर देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, कुछ जानवर बहुत ही खतरनाक, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा खेलना चाहोगे। लेकिन इन जानवरों के अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी जादुई दुनिया से यहाँ पर आए हो। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे जानवरों से जिन्हें शायद आप पहली बार देखोगे, जिन्हें देखकर आप बोलोगे कि ये जानवर इस दुनिया से हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। कोई नहीं जानता कि आखिर पुरानी दुनिया में किस प्रकार के जानवर रहे होंगे, जब तक कि हमें उनके बारे में कोई सबूत ना मिले। पुरानी किताबों, मूर्तियों और कुछ चित्रकलाओं की वजह से आज हम जान पाते हैं कि शायद इस प्रकार के जानवर इस दुनिया में जीवित हो। भली से बहुत सारी कहानियां सच ना हो, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी थोड़ी सच्चाई जरूर होती है। और क्या पता पुराने समय में इस प्रकार के जानवर रहे हो। लेकिन जो भी हो, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे जानवरों को शामिल किया है जिन्हें शायद हम इंसान आज जिंदा देख पा रहे हैं, और आज से कुछ सालों पहले उन जानवरों को इंसानों ने पृथ्वी से लुप्त होते देखा है। नंबर 10, एक 8 इंच लंबा, लगभग 500 ग्राम वजनी, गहरे भूरे रंग का ये छोटा सा मांसाहारी जानवर, जिसे स्टार नोज्ड मोल के नाम से जाना जाता है। दिखने में ये जीव अजीब तो है ही, साथ में इस जीव के पास कुछ ऐसी विशेषताएं भी है जो इस जीव को सच में रहस्यमय बनाती है। इस जानवर के मुंह पर आप जो ये छोटे छोटे उंगलियों की तरह अंग देख रहे हो, ये इस जानवर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस जानवर के इस अंग को आप नाक बुला सकते हो, लेकिन इस अंग का उपयोग ये सूंघने के लिए नहीं करता, बल्कि आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए करता है। इसका ये अंग इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि एक सेकंड में ये 12 अलग अलग तरह की चीजों को पहचान सकता है। इसके ये उंगलियों जैसे अंग लगातार हिलते रहते हैं, जिससे ये आसपास के वातावरण का जायजा लेते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया का इकलौता स्तनधारी जानवर है जिसके पास इतना पावरफुल सेंसिटिव अंग है। इस जानवर के अंग में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा ऐसे तंत्र होते हैं जो आसपास के वातावरण को महसूस करके इसके दिमाग को बताते हैं, और ये संख्या हम इंसानों के हाथों में पाए जाने वाले तंत्रों से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मेमल है जो सबसे ज़्यादा तेजी से खाता है। अगर ये किसी केंचुए का शिकार करता है तो उसे खाने में ये बस एक सेकंड का चौथा हिस्सा ही लगाता है। इसके बारे में एक और मज़ेदार बात, ये पानी के अंदर भी आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, और ये पानी के अंदर हम इंसानों से 5 गुना ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। नंबर 9, ब्लू ग्लोकस या फिर ग्लोकस अटलांटिकस, ये एक प्रकार का नीला समुद्री स्लग है। इसे कुछ लोग ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। ये छोटा सा समुद्री कीड़ा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और सबसे शानदार तो इसके शरीर की बनावट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इस दुनिया का है ही नहीं? आप किसी नॉर्मल कीड़े को देखो और इस कीड़े को देखो, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। वैसे इस कीड़े के बारे में सबसे खतरनाक बात, इस कीड़े को कभी गलती से हाथ में मत लेना। अगर ये कीड़ा आपको डंक मार देता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके डंक मारने की वजह से आपको बहुत ही भयानक दर्द हो सकता है, उस दर्द की वजह से आपकी मौत तक हो सकती है। वैसे होने को तो ये समुद्री जीव है, लेकिन ये समंदर में तैर नहीं सकते। समंदर में ये लहरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके बारे में पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा कीड़ा नहीं है। इसकी लंबाई सिर्फ 1 इंच के आसपास ही होती है। ऊपर से ये नीले रंग के होते हैं, तो समंदर के नीले पानी में इन्हें देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। नंबर 8, वैम्पायर डियर। हिरण तो बेचारे कोमल से, प्यारे से, सुंदर जानवर होते हैं जो बड़े शिकारी जानवरों का शिकार होते हैं। लेकिन जरा हिरण की इस प्रजाति को देखिए,
क्या आपको नहीं लगता ये हिरण कोई जादुई जानवर है? अगर आज भी मैं इस जानवर को हमारे देश के कुछ गांव के लोगों को दिखाऊं, तो वो आज भी यही बोलेंगे कि ये जानवर कोई साधारण जानवर नहीं है, शायद इस जानवर पर भूत पिशाच सवारी करते होंगे। आपको ये बात बड़ी ही मजाकिया लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हिरण की एक प्रजाति है जो चीन और कोरिया में पाई जाती है। इसे वहाँ पर चाइनीज वाटर डियर और कोरियन वाटर डियर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, ट्रीडी ग्रेड। आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हकीकत में इस जानवर को देखा होगा। ये जानवर आपकी आंखों के सामने से कई बार निकला होगा, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं देख पाए होंगे। कारण बड़ा ही सिंपल है। दरअसल इस जीव की लंबाई 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है, इस वजह से आप इन्हें ऐसे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। जानवरों की लिस्ट में इस जानवर को मैंने शामिल किया है क्योंकि ये कोई साधारण सा जानवर नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस जानवर पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में इस जानवर ने जीत हासिल की है। ये जानवर पृथ्वी के किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या फिर बहुत ज़्यादा तापमान या फिर बहुत ही कम तापमान, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। इस जानवर पर ना तो जहर का असर होता है, ना ही किसी प्रकार के रेडिएशन का। तो अब आप ही अंदाजा लगा लो ये जानवर है या फिर कुछ और। कुछ लोग तो इस जानवर को अमर रहने की उपाधि भी दे चुके हैं। नंबर 6, आपने किसी जिराफ को देखा होगा और आपने जेब्रा भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है? आपको क्या लगता है ये कौन सा जानवर है? आपका दिमाग कह रहा होगा कि ये तो एक जेब्रा है, लेकिन जैसे ये चलने लगता है तो आपका दिमाग फिर से कहने लगता है कि नहीं, ये जेब्रा नहीं है, ये तो जिराफ है। लेकिन हकीकत में ये दोनों ही नहीं है। इस जानवर का नाम है ओकापी। इसको फॉरेस्ट जिराफ, कोंगोली जिराफ, जेब्रा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तनधारी जानवर अफ्रीका के कोंगो देश में पाया जाता है। दिखने में ये जेब्रा के जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये जिराफ से ज़्यादा रिलेटेड है। नंबर 5, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है। पापुआ न्यू गिनी देश के बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इलाके में ये चिड़िया पाई जाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे इस चिड़िया को किसी ने पूरी तरह से तैयार करके जंगल में छोड़ा हो। मादा चिड़िया को लुभाने के लिए ये बहुत ही शानदार नृत्य करता है। नृत्य करने के दौरान ये अपने पंखों को और गर्दन को इस प्रकार से घुमाते हैं कि आप देखते रह जाओगे। इस नज़ारे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हकीकत में इस दुनिया का जानवर नहीं है। वैसे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में ये इकलौती चिड़िया नहीं है। यहाँ पर चिड़िया की बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप इन चिड़ियाओं को देखना चाहते हो तो उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 4, क्रेकन। बहुत सारी फिल्मों में आपने इस जानवर का नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारी पुरानी कहानियों और किताबों में मछुआरों के साथ हुई घटनाओं में इस जानवर का जिक्र किया गया है। कुछ किताबों में बताया गया है कि इस जानवर का आकार किसी समुद्री द्वीप के बराबर का होता है, और ये जानवर इतना ताकतवर था कि जहाजों को भी पलट देता था। मछली पकड़ने वाले इस जानवर से डरते थे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जानवर एक जायंट स्क्विड हो सकता है, क्योंकि जिन जानवरों का जिक्र किताबों में किया गया है वो जानवर जायंट स्क्विड की तरह लगता है। और क्यों ना हो, इस जानवर का आकार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लंबाई में ये लगभग 60 फीट से ज़्यादा होते हैं और वजन लगभग 1 टन तक होता है। नंबर 3, थॉर्नी डेविल। आपके हाथ के साइज का ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दिखने में ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी जुरासिक वर्ल्ड का जानवर यहाँ पृथ्वी पर खो गया हो। इसके शरीर पर उपस्थित ये कांटे इसे शिकारी जानवरों से बचाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की भीषण गर्मी में ये इसके शरीर को ठंडा रखते हैं। ये जानवर आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर का रंग भी बदल सकता है। हम इंसानों के लिए ये खतरनाक नहीं है, लेकिन इस जानवर की सबसे मस्त बात, दिखने में ये बहुत ही शानदार है लेकिन लगता बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2, रेड वाकारी। जब बात डरावने बंदरों की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मेनड्रिल बंदर का आता है, उसके बाद में शायद बबून का, क्योंकि आज तक हम उन दोनों बंदरों को ही देखते आए हैं।
लेकिन आज आप इस बंदर को भी देखोगे। बंदर की ये प्रजाति दक्षिण अमेरिका के अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है। ज्यादातर समय ये पेड़ों पर ही रहते हैं। दिखने में ये बंदर बहुत ही भयानक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी डरावनी भयानक फिल्म से इसे उठाकर यहाँ इन जंगलों में छोड़ दिया हो, लेकिन हकीकत में ये जानवर जितने भयानक दिखते हैं उतने खतरनाक नहीं हैं। हालांकि ये जंगली जानवर है और आपको इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि ये कब आप पर हमला कर दे। वैसे इससे पहले कि हम नंबर वन पर जो जानवर है उसके बारे में जाने, आपको हमारे चैनल के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस एनिमल टीवी हिंदी पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को एक बार जरूर चेक करना चाहिए, और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ये जानवर जो आप फोटो में देख रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा जानवर इस दुनिया में है भी या नहीं? वैसे मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जानवर पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, और अगर किसी दुनिया में पाए जाते होंगे तो उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। और जो फोटो आप देख रहे हो ये दरअसल एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। ये कोई पेंटिंग या फिर कोई एडिट की गई फोटो नहीं है। ये एक इस प्रकार के दिखने वाला खिलौना है जिसकी ये फोटो है। वैसे चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो इन सभी जानवरों में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। इस जानवर को जाना जाता है खून पीने वाले चूपाकाबरा के नाम से। पिछली सदी में कुछ लोग इस जानवर की वजह से परेशान थे। लोगों का कहना था कि यह जानवर उनकी भेड़ बकरियों को मारकर खा जाता था। जब लोगों से पूछा गया कि वो जानवर कैसा दिखता है तो उन्होंने बताया कि वो एक कुत्ते के जैसा या फिर एक भेड़िए के जैसा दिखता है, जिसके शरीर पर कोई बाल नहीं है और वो बहुत ही भयानक है। लेकिन क्या हकीकत में इस दुनिया में कोई ऐसा जानवर भी रहता है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो? मेरे ख्याल से नहीं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि हकीकत में ये कोई जानवर की प्रजाति नहीं है, ये एक कायोटी है। अब कायोटी को तो आप जानते ही होंगे। कायोटी एक सियार से बड़ा और भेड़िए से छोटा जानवर है। दिखने में ये भेड़िए की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत ही क्रूर जानवर होता है। छोटे छोटे जानवरों को ये बहुत ही भयानक मौत देता है। जिस जानवर को लोगों ने देखा था वो जानवर भी एक कायोटी ही था। दरअसल उस कायोटी को एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसके शरीर के सारे बाल उड़ गए थे और वो बहुत ही भयानक दिखता था। जब भी आप किसी ऐसे जानवर को देखो जिसे आप ना जानते हो, उसके बारे में आपको कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी जानवर बीमारियों की वजह से कुछ अलग दिखने लगते हैं। वैसे मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कैसा लगा वीडियो, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।